नमस्कार दोस्तों, देशवाल व्लॉग में आप सबका स्वागत है। साथियों, कल इंस्टाग्राम पे मेरे पूरे 100 के फॉलोवर यानी कि 1 लाख कंप्लीट हो गए। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी मैं फैमिली से पूछता हूँ, भाई बच्चे पार्टी की मांग कर रहे हैं, ये के पार्टी करेंगे, के खाओगे, के पीवेंगे, तो इनसे पूछते हैं एक बार। हाँ भाई, सबसे पहले आप बताओ, छोले भटूरे? नहीं। छोले भटूरे, ठीक है। और आप बेबे? किसी होटल में कुछ खाना है आप? हाँ, पार्टी करेंगे, केक काटेंगे। नहीं, केक नहीं बेबे। क्यों? जन्मदिन पर काटा रहे केक। चल ठीक, ये तो फॉलोवर तो बढ़ते रहे। पार्टी कर लेंगे। हाँ बेटे, उस पे रेड डॉट पे डालेंगे। रेड डॉट पे, ठीक है भाई। और आप भाई? डाबे पे डालेंगे। ये तो बेबे मामला बिगड़ गया सारा। अरे कहना क्या चाहते हो दोस्तों, बताओ। एक रेस्टोरेंट में जाने की क्या है, एक छोले भटूरे खाने की क्या है। चलो भाई, रेस्टोरेंट में छोले भटूरे तो मिल जाएंगे, और एक जनाब हमारे बड़े वाले तो जनाब हैं, यो ढाबे पे जाने की क्या है। एक शख्स और रहेगा इससे, और मैं भी ढाबे पे। गजब बेइज्जती है भैया, भी ढाबे पे जाओगी? दो बोट ढाबे की होगी तो ढाबे पे चल भाई, ढाबे पे चलना बेबे। एक बोट और दे दो किसी की। किसकी ले लें एक बोट और? आप दो पहला। मेरी तो वोट है, मैं तो कितने ले चलो, मैं तो वही खा लूंगा जो आप लोग खाओगे। आप वोट दो रेड अटकी। रेड अटकी वोट दूं? मेरी वोट गई छोटे को। हाँ, भाई तीन वोट हैं छोटे, और की दो है। अरे इनकी तीन वोट हैं, हमारी दो होगी ना बेटे। ना बुआ मारी में है। बुआ तो ढाबे की में है। ना ना, मैं ढाबे की में कौन है। और मैं तो छोटे के ले आऊं। कुल मिलाकर तीन वोट जो है वे छोटे की तरफ होगी है, और अभी रह गई दो वोट जो ढाबे पे जाने की गए हैं। तीन वोट होगी है रेस्टोरेंट की, भाई छोटे जीत गए आप। हाँ जाएंगे यार। चीटिंग करता है तू। सोनू आप थोड़ा कम खाया करो। क्यों? मोटे घनी होगी यार, घनी मोटी होगी। फ्रूट खाए क्यों? और बेबे साबत मोटा ना होगा। साबत ने कुछ ना कुछ खाए जा, देख कितनी मोटी होगी। घी की डोली खत्म हो रही है, एक महीने भीतर उस तो हुई है मोटी। घी खा हुआ है खूब खूब। हाँ, और आप यो हथौड़ा क्यों उठा रहे हो भाई? देखो भाई, गुल्लक ना फोड़ने की क्या है बेटे, अभी भरा नहीं है ये। किसी मैं दे दूंगा ना पैसे, तो मैं दे दूंगा ना बेटे। इसको क्यों फोड़ा, ये पता है पूरा भर जा रहा ना, जब फोड़ा किसी ने। लेजर लाइट ले दूंगा, लेकिन अब ये नहीं फोड़ना क्योंकि ये भरना है पहले आपने। ना कि ना ना फोड़ना नहीं अभी, ये देख ले बेबे न्यूज ला लिया है सारी। कंट्रोल कंट्रोल के जद पूरी करूं मैं इसकी। बरे पीछे फोड़िए बेटा, रमान जा इमून बंद भी रख लिया करे। खांगे संतरा के करा बेटे, तो शाम पानी दूंगा। देखा जुगाड़ छोटे? हाँ। जुगाड़ देखा किस तरह हो है? नहीं, नहीं, पनीश क्या है? तो जी छोटा पानी दिया होगा आज अपनी बगिया में, ये छोटी सी बगिया है इसकी, और भाई पानी चला दिया। दोस्तों काफी जगह देखो खाली है, और मैं सोचूं कि ये वाला जो मुरवे का पेड़ है, और एक ये वाला, ये दो मुरवे के यहाँ पे और दो तुलसा यहाँ पे है, एक मुरवा है, इन्हें छोड़ दूं। आगे की जगह जो है ये खाली हो जाएगी पूरी, इसने खाली कर देंगे। तो इसमें के लगाना चाहिए, के बोना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइए। और यो जो फूल का पेड़ है भाई, यो बहुत सुंदर लग रहा है हमारे घर पे। एक ही साइड लगाऊं में भी होना था ना, तो सोनू फिर यह टाइल उखाड़नी पड़ेगी ना। पे जाम रहा वो भी अपना जाम रहा। अगर ये पेड़ लगाए जा करेंगे ना, यो पेड़ का थोड़ा वो घेरा था जब हो गया। अरे पागल, ये खरपतवार थोड़ी है, ये तो फैंसी पेड़ लगाए जा, यो लगा रहा क्या है भाई। बड़ी कसूती है यार, कौन समझा भाई इसने, गजब बेइज्जती है। देखिए देखो भाई, पहल के कती देख साइड में कौन है, कती कौन है, देख भाई। सही कहा है सोनू, भैया जीत गई, मैं हार गया दोस्तों। अपने आप उग रहे हैं भाई, ये तो बिल्कुल छोटी सी दरार में तो नीचे निकल कर रहे हो। तो जी अभी छोटा जो है वो अपनी बाइक ने साफ करेगा। ये देखो भाई, बड़ा चंट लड़का है, साबुन का की करेगा। तो भाई देखो इसकी वॉशिंग करनी, देखो हाथा का साबुन लगाया इसने, और फिर अपनी बाइक ने साफ कराई हो। बस बस छोटे ने बिल्कुल बाइक चमका दी अपनी बाइक, और अभी वो थोड़ी ड्राइव करेगा। और दोस्तों हमारी सोसाइटी देखो,
यहाँ मेरा सबसे ज्यादा मन यहाँ पर लग गया है। मेरे घर के सामने पार्क है और इस तरह से हमारी ये सोसाइटी है भाई, मुंबई वाली फीलिंग आओ है बिल्कुल, बड़ा मजा आओ है यहाँ पे। तो जी कल हम बावर भाई की मौसी के घर पर गए थे, उन्होंने काफी मटर हमें दे दी क्योंकि हम खेत में भी गए थे, और बहन जी देखो पूरी थैली भर दी है छोल छोल का मटर, देसी मटर है। और भाई बड़े पुत्र ने अभी बाल भी नहीं पाए अपने, बाल वाले बेटे अरे कहना क्या चाहते हो। और दोस्तों घरवाली जो है भाई आज बिल्कुल नया सूट पहनने की, और यो वो सूट है उसने दिया था ना उस लड़की ने, सुना के नाम उसके चैनल का रूरल क्लोथ हाउस। मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा साथियों, तो देखो भाई इस तरह का है, जो भाण बेटी देखे अगर व्लॉग वे देखो, कमेंट करके बताइयो सोनू का सूट किसा लग गया। और ये कहे सोनू तो ये क्या डिजाइन बनवाया मैंने बाजू, यो ही सा डिजाइन है। चलो बहुत बढ़िया, तो उस बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने ये सूट दिया था, उसके चैनल का लिंक मैं आज नीचे डाल दूंगा इस वीडियो में आपने मिलेगा, वहां पे जाके देख लियो, बहुत अच्छे अच्छे सूट वो लड़की दिखाया, अगर ऑर्डर भी कर सको वहां से। तो अभी हम तैयार हो गए हैं रेस्टोरेंट जाने के लिए, और साथियों एक बात बता दूं, सकीम हमारी होगी चेंज जो कि इसने करवाई है। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है, क्योंकि वो पहले कहा था रेड हट्स में जाने की, और ये भी उन्होंने कहा कि पापा मुझे पिज्जा खाना है, तो दूसरे रेस्टोरेंट में चल रहा है जिसमें मैं आज तक नहीं गया हूँ, कोई नया रेस्टोरेंट में आप लोग दिखाऊंगा। हम तैयार हैं तीनों, हम चलेंगे स्कूटी पे, और भाई जो फोन के पीछे हैं ये आऊंगी ऑटो रिक्शा में, ठीक है भाई सेक्टर 6 के मोड़ पे मिलूंगा मैं वहां जियो। गजब बेइज्जती है। अभी दोस्तों हम चल रहे हैं जो रोहतक रोड है उसके ऊपर, दिल्ली से रोहतक रोड, और भाई बहादुरगढ़ शहर में काफी सुविधाएं हैं, मेन चीज तो ये ऊपर आपने दिखाई दे जो मेट्रो है, ये भाई रीढ़ की हड्डी है शहर की, बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कूल है यहाँ पर, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट है, काफी मन लग गई शहर में मेरा, क्योंकि मेरा बचपन इसी शहर में बीता है भाई। मैं बच्चा ने लेकर पहुंच गया हूँ साथियों, लेकिन इनकी मम्मी और इनकी बुआ जी जो हैं वो पीछा टोमान लाग रही हैं, तो हम पहले पहुंच गए। सेक्टर 6 का ये मोड़ है बहादुरगढ़ में, यहाँ पर काफी संख्या में रेस्टोरेंट है जी। ये देखिए मेरी धर्म पत्नी और मेरी बहन जी ई रिक्शा में बैठ गई है, और वे सफर किसा रहा? ठीक रहा। हाँ सोनू दुखी तो ना हुई? ना दुखी क्या थी होंगे? दुखी के ऊपर सारी आनी नमना बैठा करती है, स्कूटी ली है एक भी नहीं थे। गजब बेइज्जती है। दोस्तों रेस्टोरेंट मैंने चूज कर लिया है और मैं आपने दिखा दूं, ये फोर्थ फ्लोर पे है ईएल प्रोफेसर कैफे एंड रेस्टोरेंट, तो हमने फोर्थ फ्लोर पर चलना पड़ेगा छोटे, बहुत ऊपर चलना पड़ेगा बेटे। लिफ्ट है उसमें? हाँ। चलो फिर चलो आओ। तो भैया लिफ्ट बताओ छोटा, जो देख है पहले, दरअसल सभी बंदे हमारे लिफ्ट में आ चुके हैं और हम दबा देते हैं और छोटा पूरा खुश हो रहा भाई। आइए जी आपका स्वागत है हमारे रेस्टोरेंट में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं रेस्टोरेंट दिखा दूं जो प्रोफेसर रेस्टोरेंट है, ये देखो यहाँ रिसेप्शन पे आपको ये भाई मिलेंगे, और ये रिसेप्शन है प्यारा सा, और बाहर का जो एरिया है दोस्तों तो ये देखो, ये जैसे कि टंकियाँ होती थी ना लोहे की, उनकी बैठने के लिए कुर्सियाँ बनाई गई हैं ये। भाई छोटे ना आधी स्कूटी दीगी, ये देखो भाई बैठने का जो है ना इस रेस्टोरेंट पे बहुत ही अच्छा लगा मुझे, ये स्कूटी है, ये टायर हैं, टायर के अंदर लाइट लगा रखी इन्होंने, और काफ़ी अच्छा लगा कि भाई जो पुरानी टंकियाँ होती थी उनका यूज करके और कुर्सियाँ बनाई गई है। तो भाई हमारे भैया भी यहाँ पे मिल गए, और भाई कैसे हो? बढ़िया सर, आप बताओ कैसे हो? ठीक हो? हाँ जी बढ़िया। तो हम सारे देख रहे हैं आपने? सारे ये ब्लॉक रोज देखता हूँ सर। तो आप यही रेस्टोरेंट में? हाँ नीचे सलून में काम करता हूँ सर मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया भाई, मैं आपको देख के इस मारे ऊपर आया हूँ, मैं आपको ही देख के स्पेशल। बस भाई आप भाई आ गए प्यार हमारे साथ। हाँ सर। तो जी सबसे पहले स्वागत होया है भाई पानी से, बच्चों के लिए कराया हमने फार्म हाउस पिज्जा लार्ज में, और अपने लिए मंगाए है हमने दही के सोले। जो दही के सोले मैंने ऑर्डर करे हैं मन्नत कई बार खा रखे हैं, लेकिन मेरी बहन जी ने नहीं खाए थे, तो स्पेशल बेबे आज आपके लिए मंगाए मैंने। ठीक है, मैंने पहली बार खाऊंगी आज, मैं रामगढ़ के सोले तो सोनी, आज पहली बार दही के सोले खा के देखूंगी किसे लगेंगे। छोटे आप बताओ मम्मी तो कैसे हो दही के सोले? ना मेरा मन अभी। गजब बेइज्जती है। आपने नहीं खाए हैं? ना। तो भाई छोटे ने भी नहीं खाए हैं, लेकिन सारी गान खा रखे हैं मेरे साथ। खाए हैं इनने, पर याद कोने है, मेरे जन्मदिन पर खाए थे इनने। कंट्रोल जब हम विकासपुरी गए थे तो भाई बच्चे छोटे थे उस टाइम, इनका याद नहीं है। तो जी ये हमारा पिज्जा जो है वो आ गया भाई, ये देखो भाई
पिज्जा देख लो दोस्तों, ये है इनका फार्म हाउस पिज्जा, जो कि देखने में काफी अच्छा लगे भाई। नहीं तो जी अभी फैमिली ट्राई करेगी पिज्जा। चलो भाई अपने अपने स्लाइस उठाओ छोटे, और खा के बताओ भाई मुझे कैसा है ये। ये देखो भाई चीज, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ये देखो भाई काफी चीज डाल रखा है बेटे, उठ पे चीज ला के। हाँ ले जा अंदर। सोनू कैसा लगा? बे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ओहो पहला ही पूछ ली भाई, बढ़िया लगा भाई। और ये देखो जी इस प्राणी को देखो किस तरह खाना लग रहा है, ठीक है ओके। तो सोनू भाई खींचने लग रही है पिज्जे ने, कैसा लगा आप बता? पिज्जा बढ़िया है, अच्छा है हाँ। तो साथियों पिज्जा जो है भाई बहुत अच्छा था इनका, और फार्म हाउस पिज्जा की एक खासियत है कि इसमें सब्जियां ज्यादा मात्रा में हो है, मशरूम भी हो है, शिमला मिर्च हो है, प्याज हो है, काफी चीजें डाले हैं। तो जी अभी आ गए हैं दही के छोले, और ये देखो जी दही के छोले इस तरह से हो हैं। ये दरअसल ब्रेड से बने हैं, ऊपर से क्रिस्पी हो ये और अंदर से बहुत मुलायम हो हैं। दो तरह की चटनी दी है इन्होंने। तो भाई सबसे पहले छोटे ने बाजी मारी है और इसने लगा ली है डिप, और ये खाया भाई छोटे ने, कैसा लगा? अच्छा है, एक नंबर, ठीक है। रोल मोमो चाहिए लगे? तो ये थोड़े है यहाँ पर अलग है, दिल्ली में अलग है, मैंने दिल्ली में खाए थे। बढ़िया, पर दिल्ली वाला मकसद अलग टेस्ट था, इसमें इतना टेस्ट नहीं है। दही के छोले दरअसल दोस्तों ये ऊपर से तो ब्रेड हो है इसमें, और ब्रेड ने फिर फ्राई कर दें, ये अंदर फीलिंग हो है कुछ सब्जियां हो है, जैसे कि टमाटर आपने दिखाई देता होगा, और फिर ये कैप्सिकम है, शिमला मिर्च, प्याज है, पत्ता गोभी की फीलिंग है इसके अंदर, और इसमें दही मिलाई जा है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो इसलिए इसको दही के छोले बोल रहे हैं भाई। दिल्ली में काफी स्वाद है साथियों, यहाँ पे थोड़ा स्वाद कम है। कितना बिल आया बता? 550। खत्म। तो भैया हमारे शेर खान देखो चल पड़े हैं, और काफी शरारत करी छोटे ने, जो मैंने कैमरे में रिकॉर्ड नहीं करी। तो जी चल पड़े हैं नीचे की तरफ, और ये देख रहा है शीशे से छोटा कि किस तरह लिफ्ट चल रही है। अभी दोस्तों हम आ गए हैं देवीलाल पार्क के बिल्कुल सामने, और छोटे ने दिखाई देगी भाई ये आइसक्रीम की छोटी सी रेडी। तो दोस्तों मेरी सलाह थी भाई पार्क में घूमने की, लेकिन परिवार नु है भाई एक तो यहाँ नुगा है, क्या होगा? दूध दिया होगा, दूध ले आवांगे। बच्चे भी नुगा पापा घर पर चल लेंगे, और बाढ़ना जाना है मुंड के है ना बेबे। अभी घर पर पहुंच गए हैं, लेकिन चाबी जो है सारिका के पास है। ये देखो दोस्तों मैं लेने जाऊं था, सारिका ने ये आए गई गजब बेइज्जती है सच में तो मैं लेने जाऊंगा। तो साथियों ये थी हमारी आज की छोटी सी पार्टी भाई, फैमिली की पार्टी थी छोटी, बच्चे ने घुमा लिया खिला लिया, और 1,00,000 फॉलोअर इंस्टाग्राम पर कर दिया आप लोगों ने, फेसबुक पर 4,40,000 कर दिए, और यूट्यूब पर 1,75,000 कर दिए, और एक ऐप है मोज ऐप, उस पर भी मेरे 5.5 लाख हो रहे हैं। इतना प्यार देने के लिए सभी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, हमेशा आप लोगों का ऋणी रहूंगा भाई। इतना ज्यादा ज्ञान भी नहीं है मैंने, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता रहूं, और आप लोग प्यार देते रहो तो सबका धन्यवाद दिल से। तो अभी जो बहन जी है वह घर आ जाएगी, तभी भी आती रहा अगर, बहुत अच्छा लग गया है जब आप आओ भाई, तेरे में फॉलोअर बढ़ते रहे, मैं रोज आती रहूंगी। तो ठीक है भाई, सबको राम राम नमस्कार, लाइक करना शेयर करना कमेंट करना, राम राम दोस्तों, लाइक करना शेयर करना कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर करना, राम राम दोस्तों।